इस क्लास में मुंडे काटने वाले छलावा। बच्चों हम पूरे एक हफ्ता इस जंगल में पिकनिक पर बिताएंगे, सभी बच्चे एक्साइटेड है ना? यस मैम। उसके बाद सभी बच्चे उस जंगल में खूब एंजॉय करते हैं। अवनी मैम भी बच्चों के साथ वहाँ खूब एंजॉय करती है। सच में बच्चों, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सुकून और शांति है। पर बच्चों इस जंगल में खतरा भी बहुत है, इसलिए हम रात को अपने कैंप से बाहर आग जलाकर सोएंगे। और याद रहे, रात में कोई भी कैंप से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है मैम। उसके बाद सभी बच्चे उस जंगल और उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। क्या हुआ अम्मा, आप इस जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटी बेटी, वो आ चुकी है, वो आ चुकी है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार डालेगी बेटी, सभी को मार डालेगी, सबके सब मरोगे, सब मरोगे, सब मरोगे। कौन आ चुकी है अम्मा, और आप किसकी बात कर रही हैं? कौन हमें मारना चाहता है? बेटी छलावा, मुंडी काटने वाली छलावा। आज अमावस्या की रात है और हर अमावस्या को मुर्कटी छलावा यहाँ शिकार की तलाश में घूमती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं, तुम सब मारे जाओगे, सभी मारे जाओगे, सबके सब। अबनी मैम, मुझे तो लगता है ये कोई पागल बुढ़िया है, इसकी हालत तो देखिए, हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चलिए यहाँ से। हाँ मुझे भी यही लगता है। ठीक है तुम सब चलो अपने कैंप में जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। आप कौन है अम्मा, और आपको कैसे पता कि यहाँ आसपास छलावा है? क्या आपको छलावे का डर नहीं? डर तो तुम जैसे जिंदा लोगों को होनी चाहिए, मैं तो मुक्त हूँ, मुझे कैसा डर। उसके बाद हंसते हुए वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। ये अचानक से कहाँ गायब हो गई? अम्मा अम्मा, कहाँ है आप अम्मा? तभी अपनी मैम को अपने पीछे किसी की परछाई जाते हुए दिखती है। कौन है वहाँ, कौन है? मैं कहती हूँ कौन है। जब अपनी मैम थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक जगह पर मैम के साथ आई पांचों स्टूडेंट की कटी हुई मुंडी रखी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अर्चना, पूनम, तरन्नुम, रिया, ये क्या हो गया तुम सबको? कहाँ हो तुम सब? अवनी मैम डरते हुए जल्दी से भागते हुए अपने कैंप के पास आती है तो देखती है कि कैंप के पास अर्चना, पूजा, पूनम, तरन्नुम, रिया सभी लड़कियां सही सलामत खेल रही है। हे भगवान, कहीं वो बूढ़ी औरत सही तो नहीं कह रही थी? ओह माय गॉड, आज अमावस्या की रात भी है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बच्चों चलो जल्दी से सभी लोग अपने बस में बैठो, हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर मैम हमारा तो यहाँ वन वीक रुकने का प्लान था। हाँ लेकिन यहाँ एक मिनट भी रुकना खतरे से खाली नहीं है, वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी, ये छलावे का जंगल है, चलो जल्दी यहाँ से चलो। उसके बाद सभी लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं और बस सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बस अचानक से रुक जाती है। क्या हुआ भैया, आपने बस क्यों रोक दी? ये अपने आप रुक गई है मैडम, अभी देखता हूँ। उसके बाद बस ड्राइवर बस से उतरकर बस सही करने लगता है, तभी वहाँ अवनी मैम को रोड साइड में एक बोर्ड लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है डरना मना है। तभी अवनी मैम देखती है कि बोर्ड के ऊपर एक कटी हुई मुंडी रखी होती है। मैम जल्दी से अपना सर अंदर कर लेती है। भैया अभी कितना समय और लगेगा? अरे मैडम जी बस हो गया। उसके बाद बस फिर से चलने लगती है और तकरीबन बस 4-5 घंटे तक लगातार चलती है, लेकिन वे लोग उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अपनी मैम जब खिड़की से बाहर देखती है तो उन्हें डरना मना है का बोर्ड बार बार दिख रहा होता है। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी, हमें छलावे ने पकड़ लिया है,
अब ये हमें यहाँ से वापस नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। मैम मैम, ये बस तो बार बार एक ही जगह पर घूम रही है, कुछ कीजिए ना मैम। भैया, ये आप कैसे बस चला रहे हैं? बस तो घूम घूम कर एक ही जगह पर वापस आ रही है। मैम के बार बार बोलने पर भी बस का ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता है। तभी मैम जब आगे देखती है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ ड्राइवर के सीट पर ड्राइवर नहीं था, बल्कि उस ड्राइवर की कटी हुई मुंडी रखी थी जो खून से लथपथ थी। ये बस अपने आप कैसे चल रही है, और हमारे ड्राइवर को किसने मारा, किसने मारा? लगता है ये बस पूरी तरह से छलावे के बस में। नहीं, मुझे हर हाल में इन बच्चों को सही सलामत यहाँ से स्कूल तक पहुँचाना है। हमें जल्दी ही इस बस से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद अवनी मैम सभी बच्चों को लेकर उस बस से उतर जाती है। मैम, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मैम, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे मैम? मैम, हमें बचा लीजिए मैम, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज मैम हमें बचा लीजिए। बच्चों हिम्मत रखो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, बस किसी तरह हमें ये रात यहीं बितानी होगी। सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी पूजा अर्चना से कहती है, अर्चना, वो रिया की आंखें तो देख, यह हम सबके डर से हालत खराब है, और वो आराम से वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही है। अपनी मैम ने कहा था ये छलावा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये किसी का भी रूप ले सकती है, कहीं रिया छलावा तो नहीं? मैम, दोस्तों, यहाँ से घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पास ही एक होटल है। मैं कई बार अपने डैड के साथ इस जगह पर आई हूँ, आप सब लोग मेरी मानो तो मेरे साथ होटल पर चलो, हमें वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना भी खाने को मिल जाएगा, और वहाँ से हमें घर जाने के लिए कोई ना कोई सवारी भी जरूर मिल जाएगी। अर्चना रिया की हंसी देख रही है, हमें कैसे भी करके सबको उस होटल तक जाने से रोकना होगा। तभी पूजा देखती है कि पूनम की आँखें भी लाल है और वो भी रहस्यमय तरीके से हंस रही है। अरे नहीं नहीं, रुको, सबको होटल पर जाने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ पास ही मेरी बुआ का घर है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ, चलो हम सब वहीं चलते हैं, वहाँ से हमारा स्कूल भी ज्यादा दूर नहीं है। ये बोलकर पूनम भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और वो सभी बच्चों को घूर घूर कर देख रही थी। तभी पूजा की नजर अर्चना पर जाती है, अर्चना की आंखें भी लाल और डरावनी लग रही थी। अर्चना, तुम अब तो रिया और पूनम की आंखें भी नहीं चमक रही है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो बहुत ही डरावनी तरीके से चमक रही है। तुम अर्चना ही हो ना? नहीं, तुम अर्चना नहीं हो, तुम ही मुरकटे छलावा हो, तुम छलावा हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना पूजा? ये तो क्या बकवास कर रही है, आंखें तो तेरी भी लाल है। मैं समझ गई, छलावा और कोई नहीं, छलावा तू ही है जो इतने देर से हम सब पर नजर रख रही है, तू है छलावा। बच्चों, ऐसे आपस में लड़ना बंद करो, हम में से कोई भी छलावा नहीं है, लेकिन छलावा अभी भी हमारे आसपास ही है, वो हमें आपस में लड़ाकर मारना चाहता है। बच्चों, हमें जल्दी ही यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद हमें रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए। तभी अवनी मैम को एक पुराना स्कूल दिखता है जो कि बाहर से बहुत ही ज्यादा भयानक और खंडर सा दिख रहा था। चलो सभी बिना आवाज के चुपचाप से इस स्कूल के अंदर चलते हैं, हमें सुबह होने तक यहीं छुप कर रहना होगा। लेकिन मैम, ये स्कूल तो बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा है। बच्चों, अगर हम यूँ बाहर रहे तो भी मारे जाएंगे, हम इस स्कूल में छुप कर ही छलावे से बच सकते हैं। अब चलो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अवनी मैम सभी बच्चों को लेकर उस पुराने स्कूल के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वे लोग उस स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल पूरी तरह से चमक उठता है, ऐसा लगता है मानो कि वो स्कूल अभी अभी बना हो। मैम, ये स्कूल तो बाहर से जितनी खतरनाक और भयानक दिख रही थी, अंदर से तो ये बहुत ही सुंदर है, काश हमारा स्कूल भी ऐसा होता। अरे, ये अवनी मैम और तरन्नुम कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मैम, अवनी मैम, कहाँ है आप? तरन्नुम, कहाँ हो? अवनी मैम, अरे यहाँ हूँ मैं, तुम्हें पता है इस स्कूल का छत तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, चलो अवनी मैम ने सभी को ऊपर छत पर बुलाया है। उसके बाद जैसे ही सभी लोग छत पर पहुँचते हैं, तभी वे सब देखते हैं छत पर अवनी मैम और तरन्नुम की मुंडी कटी हुई पड़ी होती है।
हमने मैम ये क्या हुआ आपके साथ? तरन्नम उठो, ये कैसे हुआ? हमने मैम, हमने तो कहा था इस स्कूल के अंदर छलावा नहीं आएगा, लेकिन फिर ये सब कैसे हो गया? अरे ये सारे बच्चे अचानक से कहाँ गायब हो गए? मैं यहाँ अकेले ही छत पर हूँ, और अभी तो यहाँ हमने मैम और तरन्नम की कटी हुई मुंडी रखी थी, सब अचानक से कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है? तभी पूनम भागते हुए वहाँ से नीचे आ जाती है। अरे पूजा, अर्चना, कहाँ हो तुम सब? तभी उधर से पूजा भागते हुए आती है। अच्छा हुआ पूजा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। वो वहाँ ऊपर वो मुंडी काटने वाली छलावा ने हमने मैम और तरन्नम की मुंडी काट कर उन्हें मार डाला। पूनम, ये तो क्या बकवास कर रही है? वे लोग कैसे मर सकते हैं? अबनी मैम और तरुण मैम तो क्लास के रूम नंबर 1 में बैठी हुई है। ये सब सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उन सब में कौन छलावा है। तभी पूजा पूनम को अपने साथ क्लासरूम 1 में लेकर जाती है, जहां पूजा की सर कटी हुई लाश पड़ी होती है। पूजा, इसका मतलब तुमने पूजा को मार डाला, और छलावा कोई और नहीं बल्कि छलावा तुम हो। देर सही, लेकिन तूने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अब यहाँ से कोई भी बचकर वापस नहीं जाएगा। नहीं, मेरे रहते कभी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से याद है, मेरी दादी ने कहा था छलावे को उसी के तरीके से मारने से छलावे का अंत हो सकता है। तभी पूनम अपने बैग से फ्रूट्स काटने वाला चाकू निकालती है और मौका देखते ही पूजा का गला काट देती है। तभी पूजा के शरीर से धुआं बनकर छलावा निकलकर खत्म हो जाता है। उसके बाद पूनम देखती है कि अवनी मैम और बाकी के बच्चे सही सलामत है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। पूनम, अगर आज तुम सही वक्त पर इस छलावे को नहीं मारती तो ना जाने तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। अवनी मैम, भगवान का शुक्र है कि हम सभी सही सलामत हैं। लेकिन मैम, पूजा उस छलावे का शिकार बन गई मैम। चांदवारा कॉलेज के कुछ दोस्त कॉलेज ट्रिप से वापस बस से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रात हो जाती है और उसकी बस चांदवारा के एक सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ रही होती है। यार, ट्रिप पर तो बहुत मजा आया ना, और वो पहाड़ और वहाँ के झरने कितने खूबसूरत थे। हाँ यार, ये ट्रिप हमारे अब तक के ट्रिप से सबसे खूबसूरत होने वाला है। लेकिन यार, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं हम हॉस्टल कब पहुँचेंगे। मेरा तो प्यास से गला सूखा जा रहा है, लेकिन यहाँ सुनसान रास्ते पर अब पानी कहाँ मिलेगा। तभी जब वो लड़कियाँ खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ उन्हें जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर भैया, काफी तेज प्यास लग रही है, कहीं पानी या कोई घर मिल जाए तो बस रोक दीजिएगा, प्यास से गला सूखा जा रहा है। जी मैडम। तभी ड्राइवर को सड़क के किनारे एक चापाकल दिखता है। पानी मिल गया मैडम, जिसको जिसको पानी पीना है उतर के पी लीजिए। तभी एक एक करके सभी लड़कियाँ बस से उतर जाती है और पानी पीने लगती है। छी, ये कैसा अजीब सा गंदा पानी है। ज्योति, ये पानी नहीं, ये तो खून है, खून। जब सभी ध्यान से पानी को देखते हैं, तो वो वाकई पानी नहीं बल्कि खून होता है। ये कैसे हो सकता है? एक चापाकल पानी की जगह खून कैसे दे सकती है? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? तुम कौन हो? और हमारे पास कुछ भी खाने पीने का नहीं है अम्मा, हम तो खुद ही प्यास से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अम्मा, आप इस घने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हैं? क्या बताऊं बेटी, यहीं पास ही मेरा गांव है, मैं वहां अपनी बहन से मिलने गई थी, वो इसी जंगल के उस पार वाले गांव में रहती है, वहीं से आते आते रात हो गई। अच्छा, मतलब आप यहीं आसपास के गांव में रहती हैं? फिर अम्मा, ये बताइए, ये चापाकल कैसा अजीब सा है, इसमें पानी की जगह खून क्यों निकल रहा है? कौन सा चापाकल, कैसा चापाकल?
यहाँ तो कोई चापाकल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर चापाकल था। चापाकल कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? आखिर ये कैसी जगह है? बेटा, ये छलावे का जंगल है। यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। छलावा? ये क्या होता है अम्मा? छलावे का सबसे बड़ा हथियार छल है बेटी। वो छल से पहले अपने शिकार को बहुत डराता है और फिर उसका शिकार करता है। अच्छा, फिर ये छलावा आप लोगों को क्यों कुछ नहीं कहता? अरे छलावा क्या हम मरे हुए लोगों को मारेगा? क्या क्या मतलब अम्मा? मतलब बिटिया, हम गरीब लोग तो भगवान भरोसे ही रहते हैं, मालिक की कृपा है। बेट, क्या तुम लोग मुझे थोड़ी दूर आगे मेरे गांव तक छोड़ दोगी? ठीक है अम्मा, आप आइए हमारे साथ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत बस में जाकर सभी लड़कियों के साथ बैठ जाती है। उसके बाद बस ड्राइवर तेजी से बस को चलाने लगता है। तभी ड्राइवर अचानक से तेजी से ब्रेक लगाता है। अरे भैया, क्या हुआ? आपने बस क्यों रोक दी? अरे मैडम जी, लगता है बस खराब हो गया है। अरे बेटी, यही पास ही मेरा गांव है। मेरी मानो तो तुम लोग आज की रात हम लोगों के साथ ही गुजार लो। रात में इस छलावे के जंगल में सफर करना बहुत कठिन है बेटी, और वो छलावा तुम लोगों को इतनी आसानी से इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देगा। सभी लड़कियों को उस बूढ़ी औरत की बात सही लगती है। उसके बाद सभी लड़कियां बस से उतर जाती है। तभी ज्योति को फिर से वही चापाकल दिखता है। ये चापाकल यहाँ कैसे आ सकती है? ये तो बहुत पीछे छूट गया था ना? अरे बेटी, ये हमारे गांव का सबसे पुराना चापाकल है। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं, तभी देखते हैं गांव के कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर जोर जोर से रो रहे हैं। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है अम्मा? ये सब लोग रो क्यों रहे हैं अम्मा? लगता है छलावे ने हमारे गांव में भी दस्तक दे दिया है। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। ये सुनकर ज्योति जैसे ही भीड़ से आगे बढ़कर जाती है तो देखती है कि वहाँ और किसी की नहीं बल्कि ज्योति के मम्मी पापा और छोटी बहन की लाश होती है। उन तीनों की किसी ने बहुत ही धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। खुद के परिवार की लाश देखकर ज्योति के तो होश उड़ जाते हैं। वो चीख चीख कर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? मॉम, डैड, रिहाना, उठो, आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आखिर किसने मारा मेरे परिवार वालों को? किसने मारा इन्हें? तभी ज्योति के घर में काम करने वाली शांति आंटी कहती है, बीबी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी? ना तो आप जाती और ना ये सब होता। क्या हुआ इनको शांति आंटी, जल्दी बताइए, क्या हुआ इन्हें, किसने मारा इन्हें? बीबी जी, आपके मम्मी और पापा आपस में ही दोनों लड़ रहे थे, तभी आपकी मम्मी ने गुस्से में टेबल पर रखे चाकू से अपना गला काट लिया, और उसके बाद आपके पापा ने भी अपना गला काट लिया, और ये सब देखकर आपकी बहन ने भी अपना गला काट कर अपनी जान दे दी। लेकिन क्यों, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया शांति आंटी? इसकी वजह तो आप ही हो बीबी जी। आपको इतने दूर पिकनिक टूर पर भेजने की वजह से ही मेम साहब और साहब में लड़ाई हुई थी। क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज से पहले तो डैड ने कभी मेरे बाहर जाने पर कुछ भी नहीं कहा, फिर ये अचानक से। बीबी जी, वो चाहते थे कि वो आपकी अच्छे घर में शादी करके आपको अपने हाथों से डोली में बैठाकर ससुराल भेज दे, लेकिन अब तो वो खुद ही इस दुनिया से चले गए। बीबी जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, इसलिए अब आपको भी अपनी जान देकर इन सब का प्रायश्चित करना चाहिए।
ये लीजिए चाकू और आप भी अपना गला काटकर अपनी जान दे दीजिए। वैसे भी आप अपने परिवार वालों के जाने के बाद अकेले जीकर ही क्या करेंगी? अपनी जान देकर वहाँ जाकर उनसे माफी मांग लीजिए, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर ज्योति पूरी तरह से उस नौकरानी की बातों में आ जाती है और वो रोते हुए उस चाकू को अपने हाथ में लेकर बोलती है। हाँ मॉमडैड, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आप लोगों के पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। अरे ज्योति, ये तो क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या? ये तुम्हारा गांव नहीं है ज्योति, और ये सब लोग तुम्हारा परिवार नहीं है, ये सब एक छलावा है। तुम्हारा परिवार तो घर पर सुरक्षित है। होश में आओ ज्योति, ये तुम क्या करने जा रही हो ज्योति? नहीं यार, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं जी सकती। मुझे उनके पास जाना है, मैं उनके पास जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ उनके पास। तभी प्रिया ज्योति का हाथ पकड़ लेती है। ज्योति होश में आओ, होश में आओ ज्योति, इन सब छलावों ने तुम्हें अपने बस में कर लिया है, होश में आओ। लेकिन ज्योति फिर भी होश में नहीं आती है। तभी प्रिया ज्योति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे ये मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है और ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग एक छलावा है और हम छलावे के गांव में फंस चुके हैं, जल्दी यहाँ से भागो। उसके बाद सभी दोस्त भागते भागते अपने बस के पास आते हैं और जल्दी से अपने बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ छलावे भी आते हैं, लेकिन अब ये लोग समझ चुके थे कि उस जंगल में कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ छलावा ही रहता है। ड्राइवर भैया, आप जल्दी से बस चलाइए। उसके बाद ड्राइवर बस तेजी से भगाता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वे लोग उस छलावे के जंगल से निकलकर सही सलामत अपने घर आ जाते हैं। वो ट्रिप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही भयानक और डरावना कॉलेज ट्रिप बन जाता है।